नमस्कार। आज चार्ट की जुबानी में हम सोया तेल को देखेंगे। पिछले साल सोया तेल के प्राइजेस में, सोयाबीन के प्राइजेस में करीबन हमने 11% की तेजी आते हुए देखी, बट उसके मुकाबले सोया ऑयल के प्राइजेस में कोई बड़ी तेजी नहीं थी, पर करीबन 1.25% की तेजी के साथ ट्रेड किया था 2018 में। और साथ में हमने कोरिलेशन में भी देखा कि जिस ढंग से आप देख सकते हैं कि सोयाबीन के प्राइस बढ़े, उसके मुकाबले सोया ऑयल के प्राइस में ज़्यादा तेजी नहीं थी। बट अगर हम जनवरी से अभी तक की अगर बात करें, तो जनवरी में सोया ऑयल, या जनवरी 2019 से अभी तक, पिछले 2 महीने के अंदर सोया ऑयल के प्राइसेस में करीबन 4.5% से ज़्यादा की तेजी देख चुके हैं। उसके मुख्य कारण हमने देखा था कि रुपी में जो डेप्रिसिएशन आया है वो एक प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। साथ में स्लो फ्रेश बाइंग देखी गई थी ऑयल इम्पोर्टर से। साथ में हमने देखा कि यूएस चाइना का जो ट्रेड सेटलमेंट है, ड्रॉट कंडीशन इन ब्राजील, उसकी वजह से भी एक एडिबल काउंटर को सपोर्ट मिला। हायर सोयाबीन डिमांड बाय चाइना, जिस ढंग से हमने देखा यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर का सिचुएशन बना है, वो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से डिमांड निकल के आई है। बैड वेदर कंडीशन इन अर्जेंटीना, साथ में क्रूड ऑयल के प्राइस में जो जंप आया, थोड़े बहुत डॉलर में भी वीकनेस देखी थी, ये सभी फैक्टर्स थे जो ऑयल को बढ़ा के रखा था। इनिशियली अगर अभी देखा जाए तो SEA की एक मंथली रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है क्रूड सोया ऑयल इंपोर्ट जो है वो करीबन 17% के सवा सवा 17% डाउन हुआ है, जो करीबन 1.86 लाख टन था जनवरी में। वहीं अगर हम नवंबर से जनवरी के पीरियड का सोया ऑयल इंपोर्ट देखें, तो उसका वॉल्यूम में करीबन 17.8% का ड्रॉप आया है। मोरओवर अगर स्टॉक की बात करें, तो स्टॉक में करीबन 70 लाख टन एट द एंड ऑफ जनवरी था, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम रहा। तो काफ़ी मिक्स टोन हमने SEA के अपडेट से आते हुए देखा। वहीं गवर्नमेंट की जो टैरिफ है, उसमें हमने हाइक होते हुए देखे करीबन $24 का, जो इस वक्त करीबन हो चुका है $758 फॉर सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी। डिमांड की बात करें तो सोयाबीन में हमने नो डाउट डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखा था, बट सबसे इम्पोर्टेंट रहा है सोया मील की जो डिमांड है वो यूरोपियन एंड वेस्टर्न एशिया में काफ़ी रही है। वाइल ईरान की अगर बात करें, तो ईरान से हमने देखा कि एक बिगेस्ट बायर इमर्ज होकर ईरान आया है सोया मील के लिए। तो इन ऑल हमें लग रहा है कि जिस ढंग से जो डेटा दिखा रहे हैं, सोया मील के एक्सपोर्ट में हमने काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी आते हुए देखी है जो सी के अपडेट में आया है। ओवरऑल सोया मील का जो एक्सपोर्ट है वो 16% ज़्यादा रहा है, जो करीबन 10.66 लाख टन रहा है अप्रैल से जनवरी तक के पीरियड में। वहीं अगर हमने USD की अगर बात करें, तो USD की एक लेटेस्ट मंथली रिपोर्ट आई है, जिसमें इंडिया का जो फोरकास्ट रखा गया है वहाँ पे हमने देखा 4% का ड्रॉप दिखा रहा है, जो करीबन 16.20 लाख टन होने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें हमने कंजम्पशन भी देखा, कंजम्पशन में भी बढ़ोतरी हुई। तो ये सभी फैक्टर थे जो इसकी वजह से हमने जनवरी के महीने में सोयाबीन में और सोया तेल के प्राइसेस में भी अच्छा जंप आते हुए दिखा है। अब हम टेक्निकली देख लेते हैं कि चार्ट समय क्या दिखाता है। अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइसेस में जनवरी ऑनवर्ड्स हमने काफ़ी अच्छा एक उछाल आते हुए देखा है प्राइसेस में, जो करीबन 715 के भाव से करीबन 780 तक का लेवल दिखा दिया। यही एक मोमेंटम है, हमने कंटिन्यू वॉलिटिलिटी जरूर देखी है, बट आपने पहले भी हमने देखा है कि जब जो प्राइजेस 770-80 के आसपास आता है, वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर वापस बन जाता है। इवन हमने यही चीज़ जुलाई में भी देखा, जब प्राइजेस 750-60 के आसपास है, तो एक ट्रेंड बन चुका है कि ये लेवल्स के बाद प्राइजेस में करेक्शन आता है। टेक्निकली अगर हम MACD की बात करें, ये भी एक नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुका है। एक्सएनएसई भी दिखा रहा है कि मार्केट में अभी एक गिरावट है। यहाँ पे हम अगर रिट्रेसमेंट की बात करें, तो 761 का एक काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट बना हुआ है। इसे पहले भी हमने देखा, प्राइजेस ने जैसे ये लेवल ब्रीच किया तो 780 तक का लेवल चले गया था। यहाँ पे जरूर हमने मिड ऑफ फरवरी में देखा था कि प्राइजेस ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, और बिल्कुल सपोर्ट लेके उठने की भी कोशिश करते हुए दिखाई दिया। अब हमें लगता है कि फंडामेंटल्स को देखते हुए जो रैली होनी थी वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। अगर 762 के लेवल के नीचे अगर सोया रिफाइंड तेल अगर सस्टेन करता है, तो हमें लगता है कि एक गिरावट बढ़ सकती है, जो नीचे में 750 का पहला सपोर्ट और उसके नीचे 740 तक का लेवल दिखा सकता है। अगर प्राइस पॉइंट की बात करें, तो हमने ओपन इंटरेस्ट के अंदर एक उछाल जरूर आते हुए देखा है, जो 15 दिन पहले 43,850 था, उसकी जगह पे अभी 51,730 है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि
ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी है और प्राइस में हम यहाँ पे कंटिन्यू फॉल देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो स्लो एंड स्टडी मार्केट में सेलिंग बिल्टअप होते जा रही है। मैकडी की बात करें तो मैकडी भी टर्न कर चुकी है वीक साइड में, जो नेगेटिवली 1.77 की तरफ मूव कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो कंसर्निंग है वो वॉल्यूम साइड है, क्योंकि हमने ऑलरेडी दिखाया है कि जो वॉल्यूम है सिंस लास्ट वन मंथ वॉल्यूम्स आर डिक्रीजिंग फ्रॉम 30,422 टू ऑलमोस्ट 5950 का वॉल्यूम आ चुका है इस वक्त। तो ओवरऑल हमने देखा कि वॉल्यूम में हमने भारी गिरावट देखे हैं, जो 52 वीक्स के लो पे पहुंच चुकी है। RSI भी दर्शाती है कि मार्केट में गिरावट का रुख रहने की उम्मीद है। इसके लिए हमें लगता है कि 762-765 का एक अच्छा स्तर है, यहाँ पे हम रिफाइंड सोया ऑयल बेच सकते हैं। 775 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में हमें लगता है कि करीबन 752 से 740 तक का लेवल दिखा सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर की बात करें तो मूविंग एवरेज में स्लो एंड स्टडीली सभी सिग्नल सेल की तरफ कन्वर्ट हो चुके हैं, चाहे 5 डेज की बात करें, चाहे 10 डेज या 20 डेज की। तो धीरे धीरे हमें लगता है कि प्राइजेस में गिरावट का रुख देखने मिल जाएगा, जो 740 तक का लेवल रिफाइंड सोया ऑयल में देखने मिल जाएगा। आइए अभी हम सीजनैलिटी की बात करते हैं। अगर सीजनैलिटी की बात करें तो जनरली हम देखते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में एक अच्छी खासी तेजी रहती है, लेकिन फरवरी मार्च में एक एवरेजली हमने देखा है पिछले 7 साल में हमेशा गिरावट का रुक रहा है। नो डाउट पिछले साल हमने थोड़ा बहुत बाउंस जरूर देखा था, बट उससे पिछले साल में गिरावट काफ़ी गहराई हुई देखी थी हमने। इनफैक्ट 2017 मार्च के अंदर 6% से ज़्यादा की गिरावट आती हुई देखी। तो इन ऑल हमें लगता है कि फरवरी और मार्च में ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। ऑलरेडी हमने प्राइजेस में गिरावट आते हुए देख चुके हैं, तो मार्च में तेजी जैसे रुख तो दिखाई नहीं दे रहे, बट गिरावट में हमें लगता है एक शॉर्ट टर्म में 740 तक का लेवल सोया ऑयल के प्राइजेस में देखने मिल जाएगा। धन्यवाद।